खबर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को लेकर है। बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या तिहाड़ जेल में हो गई, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब टिल्लू ताजपुरिया का अतीक के कांड से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ कनेक्शन है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल तिहाड़ में हुई गैंगवार में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जितेंद्र गोगी गैंग के 4 सदस्यों ने टिल्लू पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी जान ले ली। टिल्लू और गोगी गैंग की राइवलरी का अब अतीक अशरफ की हत्या से भी कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र गोगी गैंग ने ही ऑटोमेटिक पिस्टल अतीक के शूटर्स को दिए थे। इनका इस्तेमाल टिल्लू ताजपुरिया को मारने में होना था, लेकिन शूटर्स ने अतीक और अशरफ को मारने में इसका इस्तेमाल किया। बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे प्रयागराज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। पुलिस घेरे में इस दोहरे हत्याकांड को अरुण मौर्या, सनी और लवलेश तिवारी ने अंजाम दिया था। तीनों पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे और जैसे ही अतीक और उसके भाई अशरफ ने मीडिया से बातचीत करना शुरू किया, तीनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। इस दौरान करीब 18 राउंड गोलियां चली, जिसमें से 8 गोली अतीक अहमद को लगी। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। बता दें कि उसके बाद खुलासा हुआ कि अतीक अशरफ पर हमला करने वाले तीनों हमलावरों में से दो ने तुर्की में बनी 9mm जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया था। ये पिस्टल ना सिर्फ भारत में बैन है, बल्कि एक जिगाना पिस्टल की कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में शूटर सनी ने खुलासा किया कि वो जितेंद्र गोगी गिरोह के संपर्क में था, वहीं उसे जिगाना पिस्टल मिली थी, जिससे अतीक अहमद की हत्या को अंजाम दिया। जितेंद्र गोगी की गिनती दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में होती है, जिसकी 2021 में दिल्ली की रोहड़ी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि सनी को ये पिस्टल गैंगस्टर सुरेंद्र भाटी से मिली है। बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल से कुख्यात बदमाश नवीन बाली कौशल और गैंगस्टर नीरज बवानिया के साथ मिलकर गैंग ऑपरेट करता था। उसका नाम रोहड़ी कोर्ट शूटआउट में आया था। सितंबर 2021 में रोहड़ी कोर्ट में वकील की ड्रेस पहनकर आए दो हमलावरों ने जज के सामने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर गोलियां बरसा दी थी। गोगी की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब अतीक के साथ कनेक्शन को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।